होती है कि नहीं, तो बस ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सब पता ही होंगी, बट दिस इज द बॉटम लाइन. नंबर वन, RAS सिस्टम मींस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो सिर्फ अपॉर्चुनिटी को देखता है. एंड नंबर टू, क्लाइंट के सारे न्यूरॉन्स को फायर कर दो, फिर उसको कन्वे करो, फिर कन्विंस वो अपने आप हो जाएगा. यदि ये दो चीज पे ध्यान रखेंगे तो आई थिंक ओनली द विनर कैन विन द क्लाइंट्स. और क्लाइंट्स एंड प्रॉस्पेक्ट, क्लाइंट और प्रॉस्पेक्ट और द प्रोवाइडर, इसके बीच सिर्फ एक ही रिलेशन है, फर्स्ट गिव गिव गिव. टेकिंग का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन कमांड करने के लेवल तक आपको पहुंचना है. नो डिमांड. डिमांड करेंगे तो सर्वाइवल मोड पे, और सिर्फ सर्व करेंगे तो रेसिप्रोकेशन का जो हमारा ब्रेन का फायर है वो फायर होगा, वो आपको रेसिप्रोकेट करेगा ही करेगा. इसलिए फर्स्ट गिव 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 ऑटोमेटिकली. राइट, सो विद दिस आई विल कंक्लूड. और इसके बारे में आप कुछ भी क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं तो यू कैन आस्क. क्या समटाइम्स क्या होता है कि इन अ बिजनेस थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है, कि कॉल्स चल रहे हैं, क्लोज नहीं हो रहा है, तो इन दैट टाइम थोड़ा नेगेटिविटी आ जाता है, थोड़ा डिप्रेशन आ जाता है कि अफोर्ट्स पूरा जा रहा है, सामने रिजल्ट्स नहीं आ रहा है. मैं आपको साइंटिफिक रीजंस बता सकती हूं. राइट, वो टाइम 100% पॉजिटिव रहना, हाँ बहुत टफ है ना. लिटिल बिट, अब मैं बता दूं आप, जब हमारी पूरी की पूरी फोर्स पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ी हो जाए और फिर बोलें कि उसकी प्रिपरेशन करो क्योंकि अब अटैक होने वाला है, इज इट पॉसिबल कि दैट टाइम वी आर गोइंग टू प्रिपेयर? प्रिपरेशन पहले होती है, उसके बाद जब आप वहां बॉर्डर पे खड़े हो गए देन यू आर टोटली इक्विप्ड हाउ टू फाइट द सीन. इसलिए प्रिपरेशन कभी भी सुबह मॉर्निंग में जो ऑटो सजेशन है, जो मेडिटेशन है, वो सिर्फ इसलिए है कि आज कितनी भी सिचुएशन आ जाए आई एम गोइंग टू बी काम कंपोज्ड एंड सो रिलैक्स्ड. नंबर टू, इफ यू आर थिंकिंग ओनली फॉर 17 सेकेंड्स एनी सिंगल नेगेटिव थॉट, जैसे थॉट मतलब क्या पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आज डील फाइनल हो पाएगी कि नहीं, क्वालिटी कौन सी है, टोटल नेगेटिव एंड टॉक्सिक. 17 सेकेंड भी सोचा तो आपके ब्रेन में से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है और वो कॉर्टिसोल हार्मोन इमीजिएटली आपके जजमेंट को खत्म कर देता है, इमीजिएटली 17 सेकेंड्स के अंदर, और आपके डिसीशन हिल जाते हैं. अब आप जाने वाले थे मीटिंग में, नहीं जाने तो आज जाने दो, मैं कल का अपॉइंटमेंट लेता हूं, एंड यू विल स्टार्ट पोस्टपोनिंग द थिंग. इतना फास्ट काम होता है, और एक निगेटिव थॉट लाएंगे इट्स अ साइक्लिक. इसलिए एक सिंगल निगेटिव थॉट भी वी कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि आप चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं. और कितना भी मुसीबत आ जाए, जितनी भी फीमेल है वो मंगलसूत्र पहनती है, मेल कुछ नहीं पहनते. आपको मैं बता दूं, आप 24 घंटा एक लॉकेट यहां पे डाल के रखो, बट दैट लॉकेट इज इनविजिबल लॉकेट, किसी को नहीं दिखता, मैंने भी पहना है, लेकिन उस लॉकेट में लिखा ही होता है कि जो भी होगा उसमें तेरा तो कल्याण बंधा ही है. हर बात में कल्याण, घर जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, क्या कल्याण है इसमें? मरे नहीं. राइट, एक बिजनेस चालू किया वो फ्लॉप हो गया, रिमेंबर दैट Something better is waiting for me. और ये हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है, एक बार हमारे सेंटर में आप आ जाओ, देन यू कैन सी कि किसी का नीट भी नहीं हुआ. राइट, ही वेंट टू द पैरामेडिकल कोर्स और आज वहां पे टॉप पे पहुंचा हुआ है. एक बिजनेस फ्लॉप हो गया, टोटल डिवास्टेटेड कंडीशन, हमारे पास तो डिप्रेस्ड और स्ट्रेस वाले आएंगे. जैसे उनका परसेप्शन चेंज करो और वो दूसरे बिजनेस में लग गए, अब 5 साल के बाद उनको रियलाइज होता है कि यदि ये नहीं होता तो मैं ये तो पहुंच ही नहीं पाता. इसलिए हर मुसीबत में, हर नालायक चीज में, हर गड़बड़ चीज में जो फायदा निकाल ले बस उसको बोलते बिजनेसमैन. इसलिए खोपड़ी कैसी होनी चाहिए, हम बोलते मारवाड़ी का दिमाग होना चाहिए. मारवाड़ी को सुबह दोपहर शाम रात खाते पीते सिर्फ फायदा ही दिखता है, उसके सिवा वो सोचते नहीं. अब इसको बोलते जौहरी की नजर, हाँ फायदे के सिवा दूसरा कुछ नहीं सोचता ना. एंड दिस इज द आइडियल भीड़. हम लोग सीए की ट्रेनिंग लेने जाते हैं, मेजोरिटी सीए सारे मारवाड़ी से, बोलते हमारे खून में ही है. मैं बोली कैसे हो जाएगा, बाजू वाला बैठा है, बोला सीए का फाइनल मेरा क्लियर नहीं हो रहा, उसके बाजू मारवाड़ी बैठा है, वो तो हम ही. हाउ आर यू सो मच श्योर?
अरे हमारे खून में है ना. दे आर सो श्योर. ये श्योरिटी कहाँ से आई आपके पास? वंस यू थिंक अब आपके खून में बह रहा है, तब जाके आप जो डिलीवर करते हो उसमें आपका 100% श्योरिटी. इसलिए एक बार भी निगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करना. कितनी भी मुसीबत आ जाए ये पेंडेंट को मत भूलना कि कल्याण मेरा छुपा हुआ है. मुझे ढूंढना है कि मेरे पास वो क्या सिग्नल दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, मुझे वो काम करना है. राइट, एनी अदर क्वेश्चन? वेरी सिंपल. आपके ऑफिस में कम से कम 10 to 15 लोग होंगे, कम से कम, दिस इज द मिनिमम. 15 लोगों की खोपड़ी से रोज डील करना और अपने आप का टेम्पर टेंट्रम या एंगर आउटबर्स्ट करना, कितनों की खोपड़ी आज तक आप बदल पाए? हाँ, सबकी बदल दिया सर आपने. अच्छा, आपको इम्प्रेस नहीं कर पाता. हाँ, सिंपल है. आप दुनिया में अपने सिवाय किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो सोचना भी टाइम वेस्ट है. बट दे विल डिसाइड. यू कैन नॉट डिसाइड, राइट? इसलिए सामने वाला कैसा भी हो, कोऑपरेट करता हो, आपका हस्बैंड क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, ऑफिस वाले क्या करते हैं, कौन क्या करते हैं, ये देयर प्रॉब्लम. आपके प्रोजेक्ट में, आपके विजन में कितना कोऑपरेट करते हैं वो आपकी टीम में है, जो नहीं करते वो बाहर है. इट्स सो सिंपल. इसलिए आपके विजन बहुत क्लियर होने चाहिए कि आप किस पर्पज से काम कर रहे हैं, आप क्या सोच के काम कर रहे हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है. भाई यदि तू मेरे साथ चल सकता तो यू आर इन, अदरवाइज यू आर आउट. अब फैमिली को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको बदलने की कोशिश भूल के भी मत करो. इट्स टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी. उनका दिमाग वो है, उनकी लाइकिंग अलग है, उनके माँ बाप अलग है, आपके पति के माँ बाप अलग है, आपके अलग है. आप कुछ नहीं कर सकते. यू एक्सेप्ट देम, यू एक्नॉलेज देयर गुड क्वालिटी एंड यू अप्रिशिएट. ये 3 एक के पॉकेट में रखो, आप हमेशा जीत जाओ. एक्सेप्ट द पर्सन, एक्नॉलेज देयर क्वालिटीज एंड ऑलवेज अप्रिशिएट. 10 में से 2 भी अच्छा काम करते हैं ना, दुनिया के सामने छाती ठोक के बोलो मेरा पति इतना अच्छा है, मेरी बीवी इतनी अच्छी, वो आपके पॉकेट में आ जाएगी. क्या क्या क्या, एनी अदर थिंग? नहीं करना, मतलब अभी तक हुई नहीं है, करनी नहीं है. देखो, शादी ऐसा लड्डू है, पाया तो भी पछताया, नहीं पाया तो जब पछतानी है तो चलो गुड. दैट इज ऑल्सो गुड. एनी अदर क्वेश्चन? या एक्चुअली क्या होता है कि फोकस भी करते हैं सब करने के लिए, माइंड ना डिस्ट्रैक्ट होता है और कहीं ना कहीं हम बह जाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? डिस्ट्रैक्शन खत्म. बिल्कुल परफेक्ट. आप पहले ये चेक करो कि किस किस जगह पे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो. यदि आप ड्राइव करते समय डिस्ट्रैक्ट होते हो, ऑफिस में एंट्री लेते समय डिस्ट्रैक्ट होते हो, बाथरूम में डिस्ट्रैक्ट होते हो, दैट इज सो क्लियर. आपके पास विजन बोर्ड होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द GPS. हमारी कार में लगा है, हमारे बाथरूम में लगा हुआ है, हमारे बेडरूम में लगा हुआ है, मिरर के सामने लगा हुआ है, अपने ड्रेसिंग टेबल पे लगा है, राइट? ये हमेशा आपको डायरेक्शन देगा कि व्हाई आर यू हियर, व्हाई आर यू ब्रीदिंग, व्हाई आर यू लिविंग. जब तक आपका गोल सामने नहीं है, आप हर किसी से इन्फ्लुएंस होने तैयार है. आप पे कोई भी असर कर डालेगा, मौसम का भी असर. आज बारिश होते नहीं जाते ऑफिस, हर कोई आपसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा. बट इफ यू आर टोटली गोल ओरिएंटेड, टोटली फोकस, अब बारिश हो ये हो, आपको नोटिस में भी नहीं आएगा कि कौन क्या हो रहा है. मुझे इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे मेरी डील है, इतने बजे मुझे कहा. आपका ब्रेन सो स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कि आप फिर यहां पर फिर से कौन सा सिस्टम काम करेगा? RAS सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. वो सारे प्रॉब्लम्स को पूरा नलीफाई कर देगा, बाकी सारे सिचुएशन प्रॉब्लम साइड सीन हो जाएगी और आप फोकस्ड हो जाएंगे. लक्ष्य सामने है तो लक्षण आते जाएगा, लक्ष्य नहीं है तो आप लक्षण को पकड़ते रहो, राइट? हाँ सर, मैं सर्विस इंडस्ट्री से बोल रहा हूँ.
कुछ भी प्रोडक्ट होता है तो हम बॉक्स बनाते हैं उसके लिए, बहुत बॉक्स बनाते हैं, हाँ लाइक डव साबुन हो गया तो उसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं, रेस्टोरेंट पे बड़े कार्टून वगैरह सब कुछ। तो हम लोग का इसको कैसे कन्विंस, किसको कन्विंस करना है, हमारे जो कस्टमर, हाँ हम कस्टमर नहीं बोल सकते बट हम वी बिलोंग फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री, हाँ सो आप किनसे डील करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर इज द ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट, उसके पास कौन सी तीन चीजें हैं, इधर बॉडी, इमोशन और परफेक्ट, ये तीन में से दो जगह फिट कर लो अपने प्रोडक्ट को, इमोशंस क्रिएट कर दो राइट, या उसको लॉजिक में फिट करो कि यदि मेरी कंपनी से लेता है तो देख कितना ज्यादा फायदा है, उसके अंदर वो प्रोसेसिंग दिमाग में डाल दो, उसके दिमाग में फिट हो जाए, अदरवाइज उसके बॉडी को ऐसा कंफर्टेबल दो, उसके सेंसरी इनपुट डाल दो कि उसको लगेगा इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि हाँ हमारे पास तो बहुत माइक्रो इंडस्ट्रीज के तो आते हैं, हाँ तो लार्ज इंडस्ट्री होती है उनके पास हम जाते हैं, हाँ ठीक है ना, आप जाते हैं, हाँ मीटिंग फिक्स होती होगी, हाँ परफेक्ट, मीटिंग में आपको डील किसे करना पड़ता है, एमडी से उनसे या 25 हेड से, बड़ी कंपनी 25 हेड से उनसे होती है, परफेक्ट, किसी से भी मीटिंग में जाना है तो सबसे पहले क्या जरूरी है, अपना पर्सन, रेड टाई तो जरूरी है, रेड पेन भी लगा लोगे तो यू विल फील गुड, याद रखो आपके पहुंचने से पहले आपका एनर्जी वहां पे पहुंच जाता है क्योंकि मीटिंग ऑलरेडी फिक्स्ड है, यदि आप सिर्फ मीटिंग में निकलने से पहले से 5 मिनट्स यू सिट बैक एंड स्टार्ट विजुलाइजिंग द होल पिक्चर कि मेरा इतना अच्छे से वेलकम हुआ और हमारी इतनी प्लेजरेबल मोड में बात हुई एंड ही इज कंप्लीटली कन्विंस्ड, फर्स्ट यू कन्विंस योरसेल्फ देन ओनली यू हैव द पावर टू कन्विंस अदर। आपको मैं लाइव एग्जाम्पल बता दूं, अभी हमारे पास इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की सब डिपार्टमेंट के क्लाइंट्स होते हैं, अब उनका क्या हुआ कि सूरत में उनका हेड ऑफिस है, उनके बॉस से बात